हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनय और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं रस कैसे लिखें, जिस जहां से बोर्ड में दो नंबर का क्वेश्चन आता है। डेफिनेटली अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको दो नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो दोस्त, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्त, वीडियो में क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये क्वेश्चन नंबर 12 होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको तीन क्वेश्चन पूछता है, एक रस के बारे में, दो देता है और एक लिखना रहता है, और दो छंद देता है जिसमें से एक लिखना रहता है, और दो अलंकार देता है जिसमें से एक लिखना रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 से 6 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से दो रस से पूछा जाता है, दो छंद से पूछा जाता है और दो अलंकार से। तो दोस्त, इसमें दो नंबर कैसे कैसे पूछा जाता है। एक नंबर आपका होता है, इसमें एक नंबर आपका डिफिनेशन पर होता है और एक नंबर उदाहरण पर होता है। ठीक है दोस्त, इसमें एक एक नंबर, दो नंबर ऐसे पूछा जाता है। तो दोस्त, आइए चलते हैं, देखते हैं कि रस कैसे लिखा जाता है। तो पहले हम एक नज़र देख लेते हैं प्रश्न कैसे पूछते हैं। तो प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि प्रश्न ऐसे पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में, श्रृंगार रस अथवा कुड रस के अस्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो दोस्त, ये श्रृंगार रस, ठीक है, और अथवा करुण रस, ये दोनों में से एक का लिखना है, वो भी उदाहरण सहित लिखना है, इसका उदाहरण परिभाषा लिखना है। ठीक है दोस्त, ये ऐसे देख लीजिए। नेक्स्ट मतलब पूछा है, ये सब हमने मॉडल पेपर से लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। इसमें से अगर आप छः रस दिया, छः में से अगर आप दो तीन, अगर दो तैयार कर लिए तो डेफिनेटली एक फंस सकता है, लेकिन हम तो कहेंगे दोस्त आप छः भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मैं परिभाषा लिखने का आपको ट्रिक भी दे दूंगा। परिभाषा लिखने का ट्रिक बहुत आसान है दोस्त, और आपको सिर्फ मान लीजिए दो लाइन याद करना पड़ेगा और वही फॉर्मेट जो है सभी रस में लगा देंगे, सभी यानी सभी प्रकार के रस में, तो फिर उसका डेफिनेशन आ जाएगा। तो दोस्त चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो छः रस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके दृष्टि से हमने इस छः रसों का स्थायी भाव ज्ञान लिख लिया है। तो दोस्त, ये देखते हैं छः रसों का स्थायी भाव क्या होता है, ये इन सब रसों का। तो दोस्त, इधर आपको लिखा है रस और इधर लिखा है आपका स्थायी भाव। ठीक है दोस्त, तो इधर लिखा है श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। ठीक है दोस्त, और करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। और हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। और रौंद्र रस, रौंद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। और शांत्र रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। दोस्तों, ये स्थायी भाव आप याद कर लीजिए और मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप स्थायी भाव याद कर लिए तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा कि परिभाषा कैसे लिखना है। अगर आप स्थायी भाव याद कर लेते हैं तो आप परिभाषा जरूर लिख पाएंगे। तो दोस्त, पहले आइए हम देख लेते हैं कि एग्जाम में कैसे लिखना है इसको। ठीक है दोस्त, तो आपको डेफिनेटली ऐसे डालना है, प्रश्नोत्तर नंबर 12 के का अक्सर करके 12वें में पूछता है, यानी 12वें में नहीं है, 12वें नंबर क्वेश्चन में ही पूछता है। दोस्तों, आपको ऐसे डाल देना है 12 के का। ठीक है, अगर आपको जैसे करुण रस मान लिया पूछ लिया, करुण रस और श्रृंगार रस का। ठीक है दोस्त, उसमें अगर आपका करुण रस का आता है तो करुण रस ऐसे हेडिंग डालेंगे और नीचे अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। करुण रस हेडिंग डालेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे आपको, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। ठीक है दोस्त, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। फिर दोस्तों, अगर आप चाहें तो ये जो करुण रस है ब्लैक पेन से लिख दीजिए और ये भी शोक ब्लैक पेन से लिख लीजिए। ठीक है, नहीं तो दोस्त ऐसे भी सही है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पर लिखा है, यहाँ ब्लैक पेन से आप ही लिखिएगा, शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव व संचारी भाव के मिलने से या फिर संचारी भाव के संयोग से करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है दोस्त, तो दोस्त आप देख रहे हैं कि मतलब करुण रस की उत्पत्ति कैसे होती है, शोक नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के मिलने से या संयोग से करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है दोस्त, तो आइए हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। एक नंबर तो हमारा इसी से कंफर्म हो जाएगा दोस्त, एक नंबर तो हमारे डिफिनेशन से पक्का आ जाएगा, उसके बाद फिर हम आइए उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण आप ऐसा नहीं कि जो मतलब क्वेश्चन बैंक में दिया है वही उदाहरण आप लिखें, आप उदाहरण कहीं से भी याद कर सकते हैं जो मतलब जिसमें शोक नामक हो, जैसे हमने क्वेश्चन बैंक से लिया है, जैसे हमने रहा है क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा के मृद पलकों में। ठीक है दोस्त, ये मृद पलकों में ऊपर ही रहेगा लेकिन जगह नहीं था तो हमने नीचे लिख दिया, कोई बात नहीं आप ऊपर ही लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद लिखा हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। ठीक है दोस्त, ये हमारा उदाहरण है। ठीक है दोस्त, जो दो लाइन का है और ये उदाहरण लिखना जरूरी है, और उदाहरण लिखने के बाद इसका स्पष्टीकरण जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि स्पष्टीकरण आप नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर पक्का ही कम मिलेगा। स्पष्टीकरण लिखना आपको बहुत जरूरी है, स्पष्टीकरण आप क्वेश्चन बैंक से जरूर पढ़ लीजिएगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। लेकिन आइए मैं एक बार पढ़ लेता हूँ अपना स्पष्टीकरण। लिखा है प्रस्तुत पद में कवि के अपनी प्रेयसी है, इसमें
सॉरी प्रस्तुत पद में कवि के अपनी प्रेयसी के विरह में रुदन का वर्णन किया गया है। इसमें कवि के हृदय का शोक स्थायी भाव है। यहाँ प्रियतम आलंबन है तथा कवि आश्रय है। कवि के हृदय के उद्गार अनुभव है और अंधकार रूपी केशपाश तथा संध्या उद्दीपन है। ठीक है दोस्त, फिर इन सभी से हमें पता क्या चलता है। सबसे नीचे लिख दिया इस सबसे पुष्ट शोक नायक अस्थाई भाव करुण रस की दशा को प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्त, इतना ही सिर्फ आप एग्जाम में लिख दीजिएगा जितना आपको दिखाई दिया है, इतना आप एग्जाम में लिख दीजिएगा, आपको डेफिनेटली रस में जो है 2 नंबर आपको पक्का है मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, और आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि फॉर्मेट जो है, हमने जो बताया था कि फॉर्मेट यानी उदाहरण लिखने का जो ट्रिक है वो क्या है। तो दोस्त चलिए शुरू उदाहरण लिखने का ट्रिक देखते हैं। सॉरी दोस्त, उदाहरण लिखने का नहीं परिभाषा लिखने का ट्रिक है। ठीक है दोस्त, फॉर्मेट क्या है यहाँ पर देख लीजिए आप। यहाँ पर लिखा है का अस्थाई भाव, यानी कि अगर आप करुण रस का लिख ले रहे हैं, श्रृंगार रस का लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप श्रृंगार रस लिख लीजिए। ठीक है दोस्त, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रहती है। ठीक है दोस्त, अस्थाई भाव यहाँ पर जो अस्थाई भाव उसका जो हमने अस्थाई भाव आपको बता दिया उसका जो है मतलब क्या है, रहती है। ठीक है दोस्त, थोड़ा पेन को पतला कर लेते हैं, रहती है। फिर उसके बाद क्या कहता है, जैसे यहाँ पर आप लिख लेंगे श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस, ठीक है, श्रृंगार रस का स्थाई भाव रहती है। ठीक है, रहती है। फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या, रहती, ये सब ब्लैक पेन से लिखना जो हम लिख रहे हैं, रति नामक स्थाई भाव, विभाव। ठीक है दोस्त, अनुभव, विभाव अनुभव व संचारी भाव के मिलने से। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम माल्या लिख रहे थे, हम यहाँ पर लिख रहे थे जो है श्रृंगार रस का, तो यहाँ पर मिलने से श्रृंगार रस, या फिर संयोग से जो भी लिख लें, श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है या फिर श्रृंगार रस बनता है दोस्त। तो आपको फॉर्मेट क्या है ये जो है ये याद कर लेना है आपको, जैसे कोई एक डेफिनेशन इस पर रख के याद कर लेना। जैसे हमने करुण रस का लिखा था तो इसी से लिखा था, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया था कि करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। ठीक है दोस्त, फिर यहाँ पर हमने लिखा था शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव अनुभव और संचारी भाव के मिलने से यहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है दोस्त, यही परिभाषा आपको छा जो छा है या फिर जितने भी रस हैं सभी में लगते हैं। ठीक है दोस्त, तो आप इतना याद कर लीजिए, उसके बाद आपका जितना भी रस है सभी रस आपको तैयार हो जाएगा डेफिनेशन। और दोस्त उदाहरण जो है, उदाहरण आपको पढ़ना पड़ेगा और स्पष्टीकरण आपको, उदाहरण और स्पष्टीकरण दोनों आपको क्वेश्चन बैंक या फिर बुक जो भी है आपके पास उससे पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्त आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक एम भी सिर्फ रखता हूँ। और दोस्त वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी को भी दबा दीजिएगा। तो दोस्त चलिए, बाय, टेक केयर।